हैं उसमें 15 लाख हिंदू भाई हैं, महज 4 लाख मुसलमान हैं। इसीलिए ये सरकार जो मंसूबा बना करके ये सीए लेके आ रही थी, नासी लेके आ रही थी, उसके खिलाफ सबसे पहले आपसे पहले पूर्वोत्तर उठ खड़ा हुआ, आसाम उठ खड़ा हुआ, गुवाहाटी उठ खड़ा हुआ, मेघालय उठ खड़ा हुआ है। आपको जान के हैरत होगी कि नरेंद्र मोदी को अब तक 2 बार अपना दौरा रद्द करना पड़ा है आसाम का, ये पहली बार हुआ है। आपकी लड़ाई पूर्वोत्तर ज्यादा मजबूती से लड़ रहा है। मैं गवा रहा हूँ शाहीन बाग की उन माओ का। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मेरी नई नस्लों, सरकार तो इंतजार कर रही है कि आप थोड़ा सा हाथ में चंबल उठा लें तो वो आपके लिए बंदूकों की गोलियां खाली कर दे, वो तो इंतजार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पास संसद का जवाब गोली है, आपके हाथ में अगर कोई झंडा आएगा तो उसका जवाब लाठी है, लेकिन अगर आपके हाथ में तिरंगा है तो तिरंगे का उनके पास कोई जवाब नहीं। सड़कों पर निकलिए, यह आंदोलन हमें नई नई तकनीक भी सिखा रहा है। माए पहले निकल आई है, नरेंद्र मोदी के पास इमरान की बात का जवाब हो सकता है, आपकी बात का जवाब हो सकता है, लेकिन शाहीन बाग में 90 साल की अपना खातून की बात का जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। इसलिए कमान इनके हाथ में रहनी चाहिए, माओ बहनों के हाथ में कमान रहनी चाहिए। और मैं आपको सलाम करता हूँ, आपको मैंने महसूस किया है जिसे बच्चियों पर बेटों पर लाठियां बरसी थी। मैं उस दिन दिल्ली में था, मैं जा रहा था एम्स एक बच्चे को देखने के लिए, जाम में फंस गया। जब टीवी चैनलों पर खबरें फ्लैश हुई और 2 लड़कियों पर 5 से ज्यादा पुलिस वाले निहत्थी लड़कियों पर लाठी बरसा रहे थे, तो वो तस्वीरें माँ ने देखी, मेरी माँ ने वो तस्वीरें देखी और तस्वीर को देख करके मेरे गाँव की मेरी माँ जिसे दुनियादारी से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, उसने मुझे कहा कि कहाँ हो। मैंने कहा अम्मी मैं एम्स जा रहा था, उस जामिया का कुछ देखा तुमने किस तरह से लड़कियों पर लाठी बरसाई जा रही है, अगर खून ठंडा ना हो गया हो तो पहुंचो जामिया और उनकी मदद करो। जब ये एहसास गाँव की सीधी सादी माओ में पैदा हो जाए तो ये लड़ाई आप जीतेंगे, कोई आपको हरा नहीं सकता है।